अस्सलामु अलैकुम। मेरी वीडियो पार्ट बाय पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं हर वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मुहर्रम अल हराम में गलत काम किए जाते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ काम किए जाते हैं। आप ये इस पार्ट को देखने के बाद दूसरा पार्ट भी देखिएगा, सारी बातें आएंगी। सबसे पहली बात यह है कि मुहर्रम एक बहुत ही बाबरकत महीना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े के बाद अगर कोई रोज़ा फजीलत वाला है तो ये मुहर्रम का रोज़ा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने दसवीं या ग्यारहवीं या नौवीं या दसवीं का रोज़ा रखा उसके पिछले सारे गुनाह एक साल के माफ़ कर दिए जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फजीलत वाला महीना है। अब इसमें गलत काम क्या है वो आप लोग पार्ट बाय पार्ट देखिए, एक एक वीडियो देखिए। सबसे पहले डंका बजाना, ये जो ढोल बजाते हैं डंका बजाने, खुदा की कसम ये बहुत ही गलत काम है, शरीयत के साथ खिलवाड़ है और गलत कॉन्सेप्ट है। ये लोग सोचते हैं डंका बजा करके इस्लाम का चर्चा कर रहे हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत मैसेज जा रहा है लोगों तक। आप डंका बजा कर, सबसे पहली बात ये कि म्यूजिक डंका ये वगैरह ये सब इस्लाम के अंदर नाजायज है। और अगर आप ये कहते हैं कि इमाम हुसैन इस महीने में शहीद हुए थे इसलिए डंका बजाते हैं, तो याद रखिए इमाम हुसैन की शहादत पे आप डंका बजाते तो ये भी जायज नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप का जनाजा हो रहा आप डंका बजाए ये गवारा नहीं कर सकते हैं, फिर ये कैसे गवारा करते हैं।